ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में हमारे ही देश में भगवान जगन्नाथ की भूमि उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में आयोजित है। भारत समेत दुनिया की 16 बेहतरीन टीमें वर्ल्ड कप पुरुष हॉकी की हिस्सा बनेंगी। इसके प्रचार के लिए देश के अंदर विभिन्न राज्यों में हॉकी 2023 विश्व कप की ट्रॉफी को लेकर के भारतीय टीम आज उत्तर प्रदेश में आई है। मैं इन सभी खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश हॉकी की दृष्टि से अत्यंत उर्वरा भूमि रही है। हम सब इस बात को जानते हैं कि हॉकी के अनेक स्टार इस धरती से निकले हैं। मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित कर रही है, उत्तर प्रदेश की धरती में जन्मे थे। केडी सिंह बाबू उत्तर प्रदेश की धरती के सपूत थे। ऐसे अनेक खिलाड़ी उत्तर प्रदेश ने हॉकी के लिए दिए हैं। महिला और पुरुष दोनों टीमों में बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से रहे हैं और आज भी भारतीय टीम के वे हिस्से हैं। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक सीआरपी सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं और आज ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा रहे श्री ललित उपाध्याय को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी एसपी पद की भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या 4 वर्ष में आयोजित होने वाली विश्व कप सीरीज की, उन सभी प्रतिष्ठित और विजेता खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार ने खेल नियमावली में संशोधन करते हुए उन्हें नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का एक ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है और ये प्रक्रिया आज से प्रारंभ हुई है। मैं श्री ललित उपाध्याय को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि भारत के अंदर विगत 8 वर्ष के अंदर खेल के प्रति एक नई चेतना जागृत हुई है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हो या सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, इन सभी आयोजनों ने भारत के खेल के कार्यक्रमों को एक नई ऊंचाइयां दी हैं, युवा पीढ़ी को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में बहुत सारे कदम उठा रहा है। खासतौर पर हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान की व्यवस्था हो, ओपन जिम के निर्माण की कार्रवाई है, स्टेडियम और मिनी स्टेडियम बनाने की कार्रवाई हो, यानी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए वन जनपद वन स्पोर्ट्स के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का, ये अलग अलग स्तर पर ये कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि खेल भावना के जिन उच्च आदर्शों को लेकर के भारत सदैव आगे रहा है, उस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए विश्व कप 2023
निश्चित ही एक नया अनुभव होगा दुनिया के उन सभी टीमों के लिए भारत के अंदर भुवनेश्वर के अंदर आयोजित होने वाले इस विश्व कप प्रतियोगिता के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं भारतीय टीम को इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और भारतीय टीम विजेता बन करके इस खेल को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं भारतीय टीम के प्रति भी।